हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी यू हेल्पर। आज मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के PYQ का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लेके आया हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल PYQ के सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सोम PYQ में जाना होगा, जहाँ आपको सोम PYQ के सारे वीडियो मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में एक बार दिया गया है जिसका डायमीटर दिया गया है 30 mm एंड पुलिंग फोर्स लग रहा है 60 kN का, एंड इस बार का लेंथ दिया गया 200 mm एंड चेंज इन लेंथ दिया गया है इस फोर्स के वजह से 0.1 mm एंड चेंज इन डायमीटर दिया गया है 0.004 mm। तो इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है यंग मॉडुलस ई, पॉइजंस रेशियो म्यू एंड बल्क मॉडुलस के। सबसे पहले हम लोग डी के हेल्प से एरिया निकाल लेंगे, पाई बाई 4 × d², तो डी का वैल्यू दिया गया 30, तो आ जाएगा हम लोगों का एरिया 706.858 mm². नाउ अब हम लोग सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे, लोड अपॉन एरिया, तो लोड लग रहा था 60 kN, तो 60 × 10³ लिख सकते हैं, एंड एरिया भी जस्ट निकालें 706.858, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा का वैल्यू निकल के आ जाएगा 84.882 N/mm². नाउ अब हम लोग स्ट्रेन का वैल्यू निकाल सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल के हेल्प से। डेल्टा एल अपॉन गिवेन है 0.1 एंड एल गिवेन है 200, तो स्ट्रेन निकल के आ जाएगा 0.0005। एंड हम लोग यंग मॉडुलस ई इक्वल टू जानते हैं टेंसाइल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो सिग्मा का वैल्यू भी अभी फाइंड आउट किए हैं 84.882 एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी फाइंड आउट किए हैं 0.005। तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों का ई का वैल्यू आ जाएगा जो यंग मॉडुलस है 1.6975 × 10⁻¹ N/mm². नाउ सेकेंड नंबर में हम लोगों को पॉइजंस रेशियो निकालना है, तो पॉइजंस रेशियो हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन हम लोग चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर से निकाल लेते हैं, तो चेंज इन डायमीटर भी दिया गया है एंड ओरिजिनल डायमीटर भी दिया गया है, तो इससे हम लोगों को लेटरल स्ट्रेन निकल के आ जाएगा 0.000133 एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम लोग निकाल चुके हैं डेल्टा एल अपॉन एल से 0.005। तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू का वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.266 एंड बल्क मॉडुलस का हम लोग फार्मूला जानते हैं के इक्वल टू ई अपॉन 3 × 1 − 2 μ। ई का वैल्यू हम लोग निकाले थे 1.6975 × 10⁵ एंड 3 × 1 − 2 μ का वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 0.266, तो यहां से के का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1.209 × 10⁵ N/mm². ये हम लोगों का बल्क मॉडुलस का वैल्यू है।